हाँ मरियम। माँ वो मुर्तसिम भाई नहीं है, माँ कहीं पे भी नहीं मिल रहे और उनका फोन भी बंद आ रहा है। क्या क्या मतलब मुर्तसिम का फोन भी बंद है, कहाँ है वो? आज तक सुना था कि दुल्हन भाग गई, लेकिन आज दूल्हा भी भाग गया। क्या फजूल मजाक कर रही है इस वक्त मेरे साथ? अब वो जाके देखो, मैं थक रहा हूँ। अनवर तस्सीम कहाँ है? यहीं कहीं होगा, मैं फोन करता हूँ उसे। जहाँ भेजा है वहीं फोन करो। अभी मेरा भाई देखो। वालेकुम सलाम, कैसे हो वकास? आपकी दुआएं। सलामत रहो, आबाद रहो। देख लो तुम्हारी बेटी को हमने यहाँ तक तो पहुँचा दिया, उम्मीद है आगे भी अच्छा ही होगा। हमारी खुशनसीबी है कि मीरब को आपका साथ मिला और मुंतसिम जैसा हम सफर मिला है। हाँ, खुदा करे ये खुशनसीबी खुशनसीबी ही रहे। आमीन। देखो तो तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, जाओ जाकर मिल लो। अस्सलाम वालेकुम चची। वालेकुम सलाम। आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई। अब चची जान मीरब से मिलने। मीरब,
मना भी किया था तुम्हें, क्यों लेकर आए उन्हें? चाचा साथ में कहा था। अनवर अपनी बेटी एक बार फिर खोना चाहता है शायद। फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मीरब ने माँ बाप को देखकर फिर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे करके दिखा दूंगी किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगी। हाया चलो, निकाह होने वाला है। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। हाया यहाँ तक आ गई हो तो थोड़ी हिम्मत और कर लो। उनसे देखा नहीं जाएगा, निकाह के बोल सुन के कहीं बेहोश ना हो जाओ। इजाजत है? मीरा बिन्त अनवर खान बहक महर 25 लाख रुपए से कई राजुल वक्त मुर्तसिम खान वल शाह नवाज खान के साथ आपको निकाह कबूल है? मीरब बिन्त अनवर खान बहक महर 25 लाख रुपए सिक्के रायजुल वक्त मुर्तसिम खान वल शाह नवाज खान के साथ आपको निकाह कबूल है बेटा?
मीरब बेटा बोलो। नहीं, क्या हुआ बेटा? मीरा कबूल है, कहना है तुम्हें। नीरव सब इंतजार कर रहे हैं बेटा, बोलो शाबाश। हाँ बोलो नीरव। हाँ मीरा, क्या है ये सब? क्यों किया बेटा तुमने ऐसा? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि बाहर हमें लोगों के सामने कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है तुम्हारी वजह से? मैंने मुर्तसिम को बुलाया था, आप मुर्तसिम नहीं है, वो वहां बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो उससे कहें कि अगर वो मेरी हाँ चाहता है तो खुद यहाँ आए। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? जब एक मरतबा हाँ कर चुकी हो तो फिर शादी के मौके पर ये सब कुछ? मैं अभी भी शादी कर रही हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो मैं उसी को बताऊंगी क्योंकि उसी के लिए वाजिब है। मुर्तसिम से कहें कि अगर वो चाहता है कि ये निकाह हो जाए वो यहां आए, मेरी शर्त सुने, वरना मैं यहां से चली जाऊंगी। मीरा मुर्तसिम ऐसे मत करो बेटा, सब मुझे और तुम्हारे बाबा को इल्जाम दे रहे हैं कि हम आए और तुमने इनकार कर दिया। मैंने कहा मुर्तसिम को बुलाएं। वो सिर्फ मुर्तसिम से बात करेगी।
क्या बात है, ये क्या तमाशा है इस वक्त? वो नहीं आ रही, मैंने बहुत कोशिश की है, उसकी एक शर्त है मुर्तसिम से। क्या फजूल हरकत है ये? इस वक्त सबके सामने शर्तें रखने का क्या मकसद है? पता नहीं, लेकिन वो कह रही है कि वो निकाह इसी सूरत में करेगी कि उसकी शर्त मानी जाए। वो कौन होती है शर्तें रखने वाली? मैं बात करती हूँ उससे। रुकिए। उसको मुझसे बात करनी है तो मैं बात करूंगा। बेगम, ये निकाह होकर रहेगा, मैं जबान देता हूं आपको। वकास, मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि तुम लोग आओ। मुझे यही डर था कि तुम लोगों को देखते ही इसका दिमाग खराब हो जाएगा, और वही हुआ। पता नहीं अब क्या होगा, बाहर सारे मेहमान खड़े हुए बातें कर रहे हैं। तुम कौन से ख्यालों के समंदर में गोते खा रही हो, कुछ तो बोलो। क्या ही सुहानी शादी आने भरी सोच आई है। क्या कहने तुम्हारे, सोचे आ रही है तुम्हें। अच्छा बता दो, कहे बगैर तो तुम रह नहीं सकती। ऐसा होता है ना, निकाह के ऐन वक्त पर लड़की इनकार करते और चली जाए, अड़ जाए कि हाँ नहीं करेगी, चाहे जान जाए। फिर क्या, वही रोना पिटना, खानदान की रुसवाई और बेइज्जती का खौफ। फिर बड़ी खातून खानदान की दूसरी लड़की से बोलती है कि दुल्हन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, हमें रुसवा होने से बचा लो। और फिर वो दूसरी लड़की दूल्हे की दुल्हन बन जाती है। वाह, क्या सुहानी सोच है तुम्हारी। ये ख्यालों के गुब्बारे, ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, असलियत में नहीं होता। मुझसे पूछो तो ये हकीकत होने वाला है। मौजे भी तो रोनुमा होते हैं। अल्लाह ही बचाए इनसे। या अल्लाह, मेरे घर को किसी बुरे इंसान की बुरी नीयत से बचा लेना। बड़ी देर कर दी आते आते, कब से घूंघट गिराए तुम्हारा इंतजार कर रही। देर लगी लेकिन आ गया हूं। तो उठा लो घूंघट। मुझे कहा गया है कि मेरी ये सारी तैयारी तुम्हारे लिए है। मुझे देखने का पहला हक तुम्हारा है। लोगों को छोड़ो, ये बताओ तुम किसके लिए तैयार हुई हो? मैं तो हमेशा अपने लिए तैयार होती हूँ मुर्तज़ा। फिर तो पहला हक तुम्हारा है।
तुम्हें तो खुद को देखना चाहिए। हाँ, लेकिन पीछे तुम खड़े हो, सबको कैसे देख सकती? जो तुमने किया है तुम्हारी सजा है। और सजा के तौर पे मैंने हम दोनों के लिए एक बहुत अहम शर्त रखी है। इतनी अहम के निकाह के बीच में से उठ के अभी सबके सामने मेरी जान से भी बढ़कर अहम। और अगर ना मान तो ये निकाह नहीं होगा। शर्त क्या है? ये फोल्डर उठाओ और खुद ही पढ़ लो। क्या हुआ? बस या कुछ और? मेरी हिफाजत के लिए अभी इतना ही काफी है। मुझसे शादी करके मुझे अपना मुहाफिज बना रही हो, पर मुझे इसे हिफाजत चाहिए। हाँ मुर्तज़ा, क्योंकि ये सजा है तुम्हारी मुझसे शादी करने की। चाहो तो ये पेपर फाड़ के अभी फेंक दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये सजावट, ये रौनक, ये निकाह खत्म हो जाएगा। कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। और चाहो तो इसको एक्सेप्ट करो, इस पे साइन करो और सुर्खरू हो जाओ। मुझे निकाह कबूल है। एक दिन तुम खुद ही पेपर्स फाड़ोगे। वो दिन मेरी आजादी का दिन होगा। अब उस दिन तुम उस रात को बहुत रोगी, याद रखना। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जा।
करके दिखा दूंगा क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। मीरा बिनते अनवर खान भाग के महर 25 लाख रुपए से कई राजुल वक्त मुर्तसिम खान वलशाह नवाज खान के साथ आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है, कबूल है। कबूल है, कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो बेटा। तुझे करके दिखा दूंगी क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगी। बेवा जो हो गई हूँ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? बेवा ही तो चूड़ियां तोड़ती हैं और जनाजा उठा है मेरी यादों का। मेरा शहजादा मुझे छोड़कर किसी और शहजादी के पास चला गया। हाया, कैसा लगा आपको आपका कमरा? अच्छा है, ठीक है। फिक्र मत करें, कमरे में रहने वाले भी बहुत ही अच्छे हैं। जाहिर है तुम्हारा भाई है, तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो मेरे भाई नहीं होते तब भी मैं यही कहती कि मुर्तसिम भाई जैसा कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा, उसके जैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। अरे वाह, सही कहते हैं लोग। निकाह में तो बड़ी ताकत होती है। यहाँ बोला कबूल है और यहाँ दिल में मोहब्बत पैदा हो गई।
अच्छा हाँ कहते हैं लोग। अच्छा आपको बेड पे बिठा दूं? मरियम मैं पहले ही बेड पे बैठी हूँ, मैं बहुत थक रही। माँ बेगम ने कहा है कि आपको अच्छे से बेड पे बिठा के घूंघट लगा के। इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज बैठ जाए ना, भाई आते होंगे। आपके मुर्तसिम भाई ने मुझे देख लिया है। आप बेगम का हुक्म है कि घूंघट करना है। अच्छा आपको पता है पुराने जमाने में, पुराने वक्तों में लड़कियां अपने सास ससुर के सामने भी घूंघट करती थी। पुराने जमानों में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, अब का जमाना मुख्तलिफ है। लड़की औरत की अपनी पहचान है। हाँ ठीक है ना, लेकिन प्लीज मान जाए ना, अब माँ बेगम मुझे बहुत डांटेंगी। मरी मैंने कहा मैं बहुत थक रही हूँ। अभी से थक गई? अभी तो बहुत सी मंजिलें बाकी हैं। अब ये क्या नया नाटक है? मुर्तसिम अपने दुल्हन से ऐसे बात करते हैं क्या? आप यहां? हां मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी। देखो बहुत ही मन्नतों मुरादों के बाद आज ये खूबसूरत दिन अल्लाह ने हमें दिखाया है, इसका शुक्राना तो बनता है ना? बिल्कुल। मैं तो करूंगी ही। मैं चाहती हूं कि तुम और मीरब दो दो नफल शुक्राने के अदा करो। अभी? हाँ अभी। आज की रात बहुत मुबारक है जो हमारे खानदान पर उतरी है। आज अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए मुस्तकबिल महफूज और खुशगवार रहेगा। बेहतर। अच्छा चलो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाओ, बिस्मिल्लाह करो। दिखाई के लिए मुंह दिखाई तो मिल गई है मुझे। ये मुझे मुंह दिखाई नहीं देना चाहता बल्कि मेरा मुंह तोड़ देना चाहता है। देखो मीरब ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं एक रिवायत है। हमारे खानदान में दुल्हा अपनी दुल्हन को अपनी माँ की अंगूठी इसलिए पहनाता है ताकि वो आगे चलकर उसके खानदान का मुस्तकबिल, घर की तरबियत, बच्चों का ख्याल
और घरदारी अच्छी तरह निभा सके। ठीक है, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, सदा सलामत रहो, सुहागन रहो। चलो मैं चलती हूं।